इतना बेचूं ना तो जी, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम लोग भेड़ द्वारिका आ रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं कह देती हूँ इस वाले वीडियो में आप सभी का वेलकम और जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो वीडियो की स्टार्टिंग हो चुकी है बहुत ही बढ़िया जगह से। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भेड़ द्वारिका पहुँचने के बाद में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ का नाम भेड़ द्वारिका क्यों है। मतलब जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ। तो जितना मुझे पता चला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जब सुदामा जी जो है ना वो आए थे श्री कृष्णा से मिलने के लिए, तो उन दोनों की भेंट हुई थी। मतलब वो दोनों यहाँ पर मिले थे और तब से इस जगह का नाम भेड़ द्वारिका कहते हैं। और ये जो उस टाइम पर जो महल हुआ करता था ना, वो अभी कहते हैं कि वो तो उसमें समुद्र के अंदर समा चुका है। मतलब जब द्वारिका डूबी थी ना तो द्वारिका नगरी के साथ में वो महल भी डूब गया था। लेकिन फ़िलहाल जो भी यहाँ पर दिख रहा है, मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जितना मुझे पता था वो मैंने आपको वीडियो में बताया। तो आप लोगों के पास में जो भी इससे रिलेटेड आंसर्स जो हैं, मतलब द्वारिका डूब गई थी उसके बाद में ये वाली नगरी कब बनी, वो सारे आंसर जो है ना वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पर चल रहा था भगवान जी का भंडारा, और भंडारा हो और हम ना जाएं ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब धक्का मुक्की भीड़ में से जिस भी तरीके से निकला जा सकता था ना, निकल के हम लोग भंडारे तक पहुँच ही गए लास्ट में। और हम लोगों को भी भंडारे का प्रसाद जो है ना वो मिल गया। और उसके बाद में जा रहे हैं वापस, और वापिस जाने तक सबकी बैटरी लो है। मतलब जाते ही रिचार्ज होता है ना वो करना पड़ेगा, और रिचार्ज जब बैटरी चार्ज होगी ना उसके बाद में ही नेक्स्ट जो भी काम है वो होंगे। आप देख सकते हो सबकी चाल में आपको दिख रहा होगा। और जब गए थे ना, जब एक चेहरे पे कला की रौनक थी। ये पोटली जो मेरी चुन्नी की पोटली है ना, इसमें है सुदामा वाले चावल जो कि मुझे वहाँ पर प्रसाद के रूप में मिले थे, जो मैंने पकड़े हैं है। अब अपने घर जा करके जैसे सुदामा जी के चावलों ने बहुत सारा भंडार भर लिया था ना, वैसे ये भी मेरे घर में भी बहुत सारा भंडार भर जाएगा। अन्न धन सबसे परिपूर्ण हो जाता है। देखो ये तो कहने की बातें होती हैं, लेकिन भगवान से जब हम भगवान के यहाँ से प्रसाद लेकर आए हैं तो उसके साथ में एक अच्छी किस्मत लेकर आए हैं, ये तो डेफिनेटली है ही। तो यहाँ देखिए समुद्र में अब किस तरीके का व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ में नेचुरल साउंड के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। सुकून के साथ बैठ गया, पानी ना एंजॉय कर देंगे, सारी चीज़ देख लीजिए ना। देखो अर्जुन का पानी को झोल का तरह, मतलब धरती से ना वो उछाल मारे पानी में ना, पानी ज़्यादा है इसलिए है ना, मतलब समुद्र नहीं के लागे की धरती उछाल मारे। हाँ मम्मी देखो पानी कितना उछाल मार रहे हो सारो। Thank you.
तो जी भेंट द्वारिका से वापसी अपनी द्वारिका में एंट्री हो चुकी है और यहाँ ये नाव जो है ना इतनी सारी लगी हुई है, देखो ये सारी खाली होनी है। और ये ऐसा नहीं है कि ये अभी घंटों से चलती है, वहाँ से हर एक 5-7-10 मिनट में एक नाव भर के आती रहती है। तो आप सोच कर देखिए कितनी जो है ना मात्रा में भीड़ यहाँ इकट्ठी होती होगी, कितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आते हैं, मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ और बाकी आप लोग बताना। और यहाँ पे ये इस तरीके से ना घाट के तरीके से ये बना रखे हैं, इसके पास में जा करके ये नाव जो है ना ये लग जाती है और फिर धीरे धीरे सबको उतरना होता है। लेकिन अब की बार पता है क्या है कि जैसे आज तक जो की है ना वो एक टाइप से आर्टिफिशियल बोटिंग ही समझ लीजिए झील वगैरह में, तो उसमें इतना डर नहीं लगता था क्योंकि पता था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितनी किसकी ये पानी है, कितना गहरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो समुद्र देवता हैं, तो समुद्र देवता अगर अपने अंदर ले गए ना तो बस फिर तो उनके ही हो गए। तो ये सोच करके बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और ये जो एरिया ने यहाँ पर जब हम लोग निकल रहे थे ना, अर्जुन गिर भी गया था, मतलब यहाँ से इसमें बोट में से सीढ़ियों में जाते टाइम, क्योंकि ये वाली जब आए थे ना ये वाली बोट है ना ये काफ़ी नीचे झुक के चल रही थी। और घर आने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में ये देखिए यहाँ से लेकर जाया जा रहा है द्वारकाधीश महाराज के लिए झंडा। और मैंने ये चीज़ देखी यहाँ पर, मैंने आप लोगों के साथ में भी इसीलिए शेयर किया कि आप लोग देखिए कितने गाजे बाजे के साथ में कितनी मात्रा में ये लोग इकट्ठा होकर के और महाराज जी का जो झंडा है ना वो लेकर जा रहे हैं, मतलब ध्वज जो कि शाम को चेंज होना है। और दिन में 5 बार ये ध्वज चेंज होता है, तो ये शायद तक शाम को चेंज होगा, वो वाला ध्वज होगा। कल वाले ध्वज को चेंज होते हुए हमने अपने आँखों से देखा था, लेकिन अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है इसलिए हमने कैप्चर नहीं किया, थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ में शेयर किया है हालांकि। और ये वाला झंडा है ना ये चेंज हुआ, उस टाइम पर भी हम लोग उस बीच एरिया में थे तो ये भी हमने देख लिया था। और मुझे नहीं पता था कि ये इस तरीके का फंक्शन करके झंडा लेकर जाते हैं, मुझे यहाँ पर जैसे इधर उधर से पूछा ना तब जाकर पता चला। ये देखो शाम का टाइम हो गया और यहाँ मेरी चप्पल हाथ चोरी हो गई। रुक्मणी देवी जो है ना, रुक्मणी माँ मैया का जो मंदिर है ना, उस मंदिर में और चप्पल चोरी हो गई नंगे पैर। और वो देखो पीछे आ रहे हैं मम्मी और शर्मा जी। हम लोग अभी निकले थे, कितनी देर हुई है, 6:45 बजे है मतलब। और ये है मेरी मम्मी और नैनी, वो आ गए अर्जुन, प्रतीक जी और आरती, ये सब लोग। तो ये देखो यहाँ होटल द ग्रैंड द्वारिका, इस होटल के सामने है अभी और हम लोग जा रहे हैं बीच एरिया में। आज हमने मंदिर जो थे ना वो सारे घूम लिए, फिर उसके बाद में सोचा चलो बीच एरिया में जाया जाए, तो हम लोग निकल लिए थे दोपहर में थी एक बार तो कि भाई 2-3-4 बजे के लगभग निकल रहे, लेकिन धूप और गर्मी इतनी थी बाद में सोचा कि नहीं बाद में ही चलेंगे। अब मैं हूँ अकेली, वो सब आगे वो दोनों पीछे। और पता है जो भी ये होते ना ऐसे जो पवित्र जो स्थल होते ना वहाँ पे अकेले घूमने का भी एक अलग ही मजा है, मतलब सुकून के साथ बस उन गलियों में। ये देखो यहाँ पे ये है, ये देखो यहाँ गोमती घाट, कल भी आए थे हम लोग लेकिन कल फिर हो नहीं पाया, अच्छे से घूम नहीं पाए, तो आज फिर से यहीं पे आ गए। किस से क्या, किस से फ्रीजर, मम्मी कहाँ के साथ जाओगी, हाँ वे उनके साथ मिल लो, नैनी रुक जाओ एक बार, कित कित सिक्स है आ रही हो, एक मिनट में पानी कैंप पर भर लो। तो जी ये बोतल भर के लेके आते हैं, 20 थोड़ी मंद है अगर, तो जी ठंडा पानी ले आए हम लोग। Thank you.
चला। तो जी यहाँ पर जो ब्रिज है ना, जो कि बीच एरिया तक लेकर जाता है, वो वाला बंद कर रखा है, जो दिख रहा होगा आपको पीछे वीडियो में, तो वो बंद कर रखा है। कह रहे हैं कि मेंटेनेंस वगैरह का काम चल रहा है, लेकिन मुझे पता है यहाँ पर कुछ अलग सी फीलिंग भी आई कि इन्होंने ना ये जो शिप में ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब सामने दिख रहा है इतनी दूर है, ज़्यादा ज़्यादा होगा 100 मीटर, इतनी दूर के लिए ये लोग 100 रुपये चार्ज करते हैं पर सवारी। और वो ब्रिज है ना, ब्रिज को बंद कर रखा है, नहीं तो पब्लिक है ना ब्रिज के ऊपर से जा सकती है आराम से इजीली। तो मुझे काफ़ी गलत भी लग रहा था ये कि ऐसे नहीं होना चाहिए, और बाकी भगवान जानता है जो है वो। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वेट कीजिएगा, हो सकता है मैं आज ही अपलोड कर दूँ उसको।